हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमाचल ड्रीमर पे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, टीरा टनल के बारे में अपडेट दिया और उसके पोर्टल 1 और पोर्टल 2 दोनों दिखाए। तो अब जैसा कि आप लोगों की फरमाइश थी कि टनल नंबर 5 भी का भी अपडेट देना है, तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ टनल नंबर 5, जो कि है इस वाले साइड। पा रहे हो कि अभी हम डहर में हैं, डहर वाले 4 लेन पे हैं। तो अभी हम जाएंगे जुड़ोल वाले साइड। तो मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में अपडेट दिया था कि वहाँ पे थोड़ा सा कटान रहता है, तो वो भी आई थिंक इन्होंने कवर कर लिया है। तो आपको आगे जाके दिखाते हैं और लेके चलते हैं आपको जुड़ोल टनल, टनल नंबर 5 को दिखाते हैं आपको जल्दी। तो जल्दी से अपना कैमरा वगैरह सेटअप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, बढ़ रहे हैं हम अभी जुड़ोल टनल की साइड और आपको इस वीडियो में अपडेट मिलने वाला है टनल नंबर 5 का, जो कि जैसा कि आपने कमेंट किए थे कि टनल नंबर 4 और टनल नंबर 5 दिखाने हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको टनल नंबर 4 दिखा दिया है, उसके बारे में अपडेट दे दिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ टनल नंबर 5 की ओर और आगे बहुत दूर है। अर्पिता तोड़िया के बड़े भारी, ओ शिट यार, नानू नहीं आए। तो दोस्तों देख सकते हो कि आप यहाँ पे अभी इन्होंने बजरी वगैरह फेंकी हुई है आपको, तो यार ऐसे गिर गया। तो देख सकते हो कि आप यहाँ पे देख सकते हो आप, इन्होंने इतना कर दिया यार, इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया है। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ था, तो ये रहता था इतना सारा, पर इस बार देख सकते हो आप इन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। हैं? है ना, बाकी सब छोटो पर है ना। तो दोस्तों यहाँ पे स्कूटी स्किट कर रही है, अभी धीरे धीरे जाना पड़ेगा यार। तो यहाँ पे अपनी स्कूटी को लगाते हैं पहले। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस वाली तरफ। तो पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वो बड़ा वाला यहाँ पे जो पहाड़ था वो उन्होंने काट दिया है, और देखो कितना प्लेन हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ ये तारकोल वगैरह बिछेगा, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए 10 से 15 दिन लगने वाले हैं, फिर ये कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बजरी वगैरह भी डाल दी है। और देखिए यार कितना सारा पहाड़ था यार, उन्होंने पूरा काट दिया और यहाँ पे रोड बना दिया है। तो कैसा लग रहा है आपको? मैं तो मतलब अभी मैंने पहली बार देखा इधर से ऊपर से डहर ना, मैं हैरान सा हूँ भाई। मैं इसको भाई इसको पता नहीं लग रहा है यार ये डहर वाली मार्केट है, क्योंकि हम मैं मेरे को ना अभी तक कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि भाई भाई डहर ही यहाँ की। वो जो चित्र छाया सब कुछ बदल चुकी है, इन्होंने पहाड़ों को काट काट कर रोड बना दिए हैं, और कितना अच्छा व्यू लग रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, टनल की ओर बढ़ते हैं और आपको टनल का अपडेट देते हैं। तो दोस्तों पहले मैं देख रहा था यार कि कैमरा की एंगल भी थोड़ा सेट नहीं था, बट आई थिंक अब ठीक लग रहा है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं आगे जुड़ोल टनल की तरफ, जो कि है हमारी टनल नंबर 5, और आपको दोनों पोर्टल के बारे में अपडेट देते हैं, दोनों पोर्टल दिखाएंगे अगर हम दिखा सकेंगे। अगर रोड वहां पे बन चुका होगा, अगर आगे जाने देंगे, तो आपको दोनों पोर्टल दिखाएंगे इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो अभी चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये अभी कंप्लीट कर रहे थे, बना रहे थे। ओ शिट यार, आगे तो तारकोल पड़ रहा है।
तो यहाँ पे दोस्तों हो चुका है हमारे साथ काया पलट। यहाँ पे पड़ रहा है तारकोल। अभी हमें वापस मुड़ना पड़ेगा और इस वाले लेन को पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए वापस मुड़ते हैं। अब देखो यार, कम से कम हमें आधा किलोमीटर वापस पीछे मुड़ना पड़ा, क्योंकि अभी हमको ये वाला लेन पड़ेगा, क्योंकि इस दूसरे वाले लेन पे पड़ रहा है तारकोल। और अभी इस वाले को, और यहाँ पे यार व्यू देखियो, कितना ज़बरदस्त व्यू है। मौसम भी आज दूसरे वाला ही हुआ है। इतने दिनों से बारिश हो रही थी, बट आज देखिए कितनी ज़्यादा धूप आ गई है, और वहाँ पे बादल देखिए कितने अल्टीमेट लग रहे हैं। तो खैर, ये वादियाँ तो हमें दिखती रहेंगी इस फोर लेन में, बट जो कि आपको मेन दिखाना है वो है टनल का अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखो अभी हम इस वाले गलत वाले लेन पे चल गए थे, क्योंकि यहाँ पे तारकोल पड़ रहा है और थोड़ा सा मुझे रास्ता नहीं दिखता हुआ और ये झटके वगैरह लगते हुए। माफ़ी चाहता हूँ मैं अर्पित से। तो देखो यार, इस वाले लेन को पक्का कर रहे हैं। यहाँ पे जेसीबी वगैरह लगी हुई है, रोलर है, और यहाँ पे ट्रक वगैरह, ट्रक में तार को लेके जा रहे हैं। और ये वाला लेन है, इसको पूरा पक्का किया जा रहा है। तो चलिए अब आपसे सीधा मिलते हैं टनल के पास। तो दोस्तों यहाँ से लेह रहता है आपका 570 किलोमीटर, और मनाली रहती है आपकी 145 किलोमीटर। तो ये जो आपको फोर लेन दिख रहा है, ये आगे ये वाला लेके जाएगा आपको सीधे मनाली में। जिन्होंने भी मंडी और मनाली की तरफ आ रहे हैं, जो इस फोर लेन से आ रहे हैं, वो नीचे ये कांगो वाला रोड पकड़ें, और यहाँ से NH रोड है जो वो 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप मंडी और मनाली इस वाले रोड से, नीचे वाले रोड से जा सकते हैं। अभी मैंने आपको अपडेट देना है, तो मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ इस वाले रोड से, फोर लेन से। तो चलिए चलते हैं। पता भी व्लॉगिंग करी है ना, एक चीज और बढ़ाई क्या, कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों अगर आप यहां से, इस वाले टनल से आ रहे हैं, तो आप यहां पे देख सकते हो कि सुंदरनगर यहां से 13 किलोमीटर रहता है। ओह शिट। और वो रही आपकी टनल नीचे। मैं जब भी आता हूं यार यहां से, आपको टनल दिखाता हूं, पोर्टल, ये जो जुड़ोल वाले टनल है पोर्टल 1 से। पोर्टल 2 के बारे में तो मैंने आपको बहुत बार दिखा दिया है, बट इस बार मैं आशा करूंगा कि आगे रोड खुल चुका हो और आपको मैं पोर्टल 1 भी दिखाऊं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। इस बार चाहे मैं पैदल जाऊंगा, बट आपको पोर्टल 1 दिखाऊंगा। देखो आगे जेसीबी, यार अच्छा काम कर दिया इन्होंने, आई थिंक खोल दिया ये पहाड़, इस पहाड़ का इन्होंने कटान कर दिया है। मैंने आपको पीछे जब यहाँ से बताया था, तो ये वाला डंगा ये दे रहे थे, तो देख सकते हो आप, इन्होंने आधे आधे डंगे तो दे दिए हैं, आई थिंक ऊपर भी देंगे ये। बट चलिए पहले आपको आगे लेके चलते हैं, इस टनल नंबर 5 के पोर्टल 1 को दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे भी ट्रक्स खड़े हुए हैं यहाँ के। दोस्तों देख, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इन्होंने इस वाले, ये जो प्लेस दिख रहा है आपको, इस वाले पहाड़ का कटान कर दिया है। अब थोड़ा सा ये जो साइड में मटेरियल है, इसको ये क्लीन करने वाले हैं, ये जो आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बजरी वगैरह और जो तारकोल है, ये डाल देंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको तकरीबन 1 महीना लगने वाला है। गाड़ियाँ तो आ रही हैं इस तरफ से भी, बट क्या इस तरफ, नहीं यार इस तरफ बोला इन्होंने कुछ। तो फाइनली हम इस वाले पोर्टल पे पहुंच गए हैं,
इस बार हम मैंने आपको जरोल टनल के टनल नंबर 5 के पोर्टल 1 के पास पहुंचा ही दिया। तो देखो यहाँ से गाड़ियाँ आ तो रही हैं, अब देखते हैं आगे जाके कि क्या सीन रहता है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी लगी हुई है जेसीबी, और इस वाले लेन का, इस वाले ब्रिज का भी काम चला हुआ है। तो पहले यहाँ पे स्कूटी को लगाते हैं, यहाँ पे स्कूटी को पार करते हैं। तो जल्द चलिए मैं कैमरा वगैरह निकालता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। दोस्तों मैं आपको इस बार ले आया हूँ इस जो टनल के पोर्टल 1 को दिखाने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो कटान लगा हुआ है, यहाँ पे अभी इन्होंने पहाड़ को अभी काटा नहीं था, तो इस बार इन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो मैं आपको फाइनली इस बार इस टनल के पोर्टल 1 को दिखाने के लिए ले आया हूँ। तो दोस्तों ये रहा जरोल टनल का पोर्टल 1, और हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या अपडेट रहता है। तो इस तरफ जैसा कि आप देख सकते हो कि इन्होंने तारकोल वगैरह तो सब कुछ लगा दिया है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा शायद पेंट वगैरह करेंगे कि नहीं करेंगे, बट तो देखिए यहाँ पे भी इन्होंने सरिया वगैरह लगाया हुआ है। अभी इस टनल को इन्होंने बंद रखा हुआ है, ये जो जरोल टनल का पोर्टल 1 है ये अभी इस साइड से इन्होंने बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काम चला हुआ है, और अगर गाड़ियाँ वगैरह आती रहेंगी तो काम में दिक्कत होगी और ज़्यादा देर लगेगी। तो ये सरकार ने अच्छा फैसला लिया हुआ है कि देखो दोस्तों यहाँ पे भी गाड़ी आई, अब इनको ये भी वापस मुड़ रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे बंद है ये। तो प्लीज़ आप यहाँ से आना प्रोबेबिलिटी करें, आप जो पीछे कांगू वाला रोड है वहाँ से होते हुए आप सुंदरनगर मंडी और मनाली की तरफ जा सकते हो। तो ये अपडेट है इस टनल नंबर 5 के बारे में। मैं सोच रहा हूँ यार अंदर क्यों जाना, क्योंकि ये मना कर रहे हैं कि अभी अंदर काम चला हुआ है तो खतरा हो सकता है, और यहाँ पे हेड वगैरह भी नहीं है, हेड वगैरह भी हम पहन नहीं सकते। तो मैंने इसका अपडेट आपको टनल नंबर 5 का पोर्टल 2 का अपडेट मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दिया है पिछले महीने, तो आप उस वीडियो को देख लेना, और ऐसा ऐसा अपडेट है। तो चलिए थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं आगे की तरफ, और देखते हैं आगे क्या क्या है। तो दोस्तों इस बार मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार मैंने आपको जरोल टनल का पोर्टल 1 दिखाया, क्योंकि यार मैं हमेशा आता था आपको दिखाने के लिए, बट वहाँ ऊपर उस वाले पॉइंट पे रुक जाता था और आगे आपको दिखा नहीं पाता था, बट इस बार मैंने आपको दिखाई दी। तो विचार हो रहा है यार आगे से गाड़ी भी आ रही है अंदर से, अब देखते हैं कि ये क्या करेंगे। अभी इनको पीछे मुड़ना पड़ेगा वापस, ये खोल देंगे इसको कि क्या, चलो देखते हैं। बोलो बोलो जल्दी बताओ उनको। तो दोस्तों मैं एक जरूरी अपडेट आपको देना चाहता हूँ कि प्लीज आप यहाँ से आना प्रॉफिट ही करें, अभी महीना प्लीज यहाँ पे इस वर्क को पूरा होने दें, और आप NH रोड जो आपका पहले का है वहाँ से ही आना आप, सही समझे, क्योंकि अभी यार काम चला हुआ है। और देखो यहाँ पे एक गाड़ी आई, उनको भी अब वापस मुड़ना पड़ेगा इस टनल को, और पीछे से जरोल वाले साइड से आना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप प्रॉबिलिटी करें यहाँ से आना। तो ऐसा ऐसा अपडेट है टनल नंबर 5 का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगली वीडियो में मैं आपको सुंदरनगर बाईपास दिखाऊंगा, क्योंकि उसके बारे में भी मुझे बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे, तो आपको सुंदरनगर बाईपास वाला पोर्टल का वर्क भी दिखाएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।